मौजूद है जिसकी शायरी में हुस्न व इश्क गुलो बुलबुल हिजरो विसाल के इर्द गिर्द ही नहीं घूमती बल्कि आज के मौजूदा दौर के सुलगते हुए मसाइल जब उसकी कलम की जद में आकर कागज पर रकम होते हैं तो वह इस अंदाज में गुफ्तगु करता है कि हम करें बात दलीलों से तो रद होती है उनके होठों की खामोशी भी सनद होती है। हम करें बात दलीलों से तो रद होती है उनके होठों की खामोशी भी सनद होती है। कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज सुखन जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। आइए इस तेवर इस अज़्म इस हौसले का मालिक मालेगांव से तशरीफ लाने वाला वो शायर जिसे पूरी दुनिया सोहेल आजाद के नाम से जानती और पहचानती है। भरपूर तालियों में सोहेल आजाद का इस्तकबाल कर रहे कि जबान चलने लगी लब कुशाई करने लगे नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे। जबान चलने लगी लब कुशाई करने लगे नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे। हमारे कद के बराबर ना आ सके जो लोग हमारे पांव के नीचे खुदाई करने लगे। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। चाहते हुए सदरे मोहतरम की इजाजत चाहते हुए जी इनायत कीजिए चार मिसरों से अपने शहरी सफर का आगाज करता हूं और मैं चाहता हूं कि यहां मौजूद हर शख्स के लिए मैं दुआइया चार मिसरे पढ़ता हूं और मैं चाहता हूं कि हर शख्स मुझे अपनी दुआओं से नवाजे। पेश करता हूं समाज समाज देखिएगा क्या कहने बाबा ज़ालिमों इंसान बना दे ज़ालिमों इंसान बना दे या अल्लाह मेरी अलग पहचान बना दे या अल्लाह ज़ालिमों इंसान बना दे या अल्लाह मेरी अलग पहचान बना दे या अल्लाह। फिल्मी हीरो के जो आशिक़ हैं उनको फिल्मी हीरो के जो आशिक़ हैं उनको उमर अली उस्मान बना वाह 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 वाह। अरे बहुत शुक्रिया आपके शहर के लोगों से मुझे यही उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया भरपूर इस्तकबाल करें इस मिसले का। एक बार जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें सोहेल आजाद का। बहुत बढ़िया सोहेल आजाद लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। पेश करता हूँ समाज क्या कहने या अल्लाह ज़ालिमों इंसान बना दे या अल्लाह मेरी अलग पहचान बना दे या अल्लाह। फिल्मी हीरो के जो आशिक़ हैं उनको उमर 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 अली उस्मान बना दे या अल्लाह उमर अली उस्मान बना दे क्या कहने वाले या अल्लाह या हमारे बिरादरान वतन भी यहाँ डाइस पर मौजूद है। यकजहती के एक चार मिसरे पढ़ता हूँ और इससे ज्यादा हंगामा होना चाहिए। पेश करता हूँ समा फरमाए या अल्लाह ये न समझना हंसने हंसाने आए हैं क्या कहने ये न समझना हंसने हंसाने आए हैं यकजहती का गीत सुनाने आए हैं ये न समझना हंसने हंसाने आए हैं यकजहती का गीत सुनाने आए हैं। बरसों से जो दिल में उठी है लोगों के बरसों से जो दिल में उठी है लोगों के नफरत की दीवार गिराने आए हैं दीवार गिराने आए हैं। क्या कहने यकजहते का एक चार मिसरे और पढ़ता हूँ इंशाल्लाह हर शख्स की दुआएं मिलेगी। पेश करता हूँ आए हैं आजादी की जंग में हम भी शामिल थे क्या कहने
आजादी की जंग में हम सब शामिल थे, खून से हमने इस धरती को संवारा है। आजादी की जंग में हम सब शामिल थे, खून से हमने इस धरती को संवारा है। तन से जुदाइए सर भी अगर कर डालोगे, तन से जुदाइए सर भी अगर कर डालोगे, कहते रहेंगे हिंदुस्तान हमारा। क्या कहने भाई सोहेल आजाद हो रहा है। आए सोहेल आजाद बहुत एक बार बहुत बहुत तालियां बजा के इस्तकबाल करें सोहेल आजाद का पूरा मजमा एक मरतबा। चलिए भाई सोहेल सुनाइए। भाई माइक वाला साहब इसका तरबल बढ़ा दे। यहाँ ऐसे ऐसे शोर इकराम तशरीफ फरमा है कि जिनको बहुत देर तक पढ़ना है, तो इस माइक को आप ठीक कर दे। पेश करता हूँ समाधो माइक, इजाजत है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आजादी की जंग में हम सब शामिल थे, खून से हमने इस धरती को संवारा है। तन से जुदाइए सर भी अगर कर डालोगे, कहते रहेंगे हिंदुस्तान हमारा है, कहते रहेंगे हिंदुस्तान हमारा है। मोहतरमा हमारी मोहतरमा बैठी है, मैंने जब ये सुना कि उनका जब उनके नाम का जब अनाउंस हुआ तो आप लोगों ने एक हंगामा किया। हमारे बिरादरा ने वतन भी यात्रा श्री फरमाए। चार मिसरे पढ़ता हूँ शरीक हो जाए। पेश करता हूँ समाधान हमारा है। ना बने कोई तो तुम पतवार बनो, ना बने कोई तो तुम पतवार बनो, जिसकी लोग मिसाल दे वो किरदार बनो, जिसकी लोग मिसाल दे वो किरदार बनो। बेशर्मी का जीना भी कोई जीना है, बेशर्मी का जीना भी कोई जीना है। रूखी सूखी खाओ मगर खुद्दार बनो, रूखी सूखी खाओ मगर। क्या कहने बाबा बाबा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सफदर हुसैन एलवी साहब को मुबारकबाद मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने मुझे सरजमीन पर मुझे मौका दिया, इतने प्यारे मेरी मुलाकात करवाई। एक गजल का एक मतलब कुछ शेर उसके बाद जहन तमाम पेश करता हूं समाज को। जी आप लोगों को याद है पुलवामा का हमला, हाँ किसने किया क्यों किया ना जाने क्यों किया। अब एक चार मिसरे पढ़ता हूँ और मेरे बिरादरा ने वतन इन तमाम लोगों को भी दुआएं चाहूंगा। पेश करता हूँ समाज ब्रह्मा, पेश करता हूँ समाज ब्रह्मा। ए यार मेरे इसलिए तो शाद नहीं है। क्या कहने है यार मेरे इसलिए तो शाद नहीं है, जो हमने दिया था वो सबक याद नहीं है, जो हमने दिया था वो सबक याद नहीं है। हम लोगों पे छुप छुप के सदा वार करे तो, हम लोगों पे छुप छुप के सदा वार करे तो, लगता है कि तू तो मर्द की औलाद है। वाह 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 वाह। क्या कहने क्या कहने वाह वाह। क्या कहने भाई वाह वाह वाह।
क्या कहने, वाह। हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान, ये है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान। ए यार मेरे इसलिए तो शाद नहीं है, जो हमने दिया था वो सबक याद नहीं है। हम लोगों पे चुप चुप के सदा वार करे तो, हम लोगों पे चुप चुप के सदा वार करे तो, लगता है कि तो मर्द की औलाद नहीं है, लगता है कि तो मर्द की औलाद नहीं। एक चार मिसरे और पेश करता हूँ, इंशाल्लाह आप लोगों को मजा आएगा। पेश करता हूँ, समझ पाए। औलाद नहीं है दो बार, इस्माइल भाई जी, वसीम भाई, दो बार, दो बार इत्तेफाक से चैनल पे आ गए। क्या कहने भाई, क्या कहने। दो बार इत्तेफाक से चैनल पे आ गए, पागल समझ रहे हैं कि चैनल उन्हीं का है, पागल समझ रहे हैं कि चैनल उन्हीं का है। करना शिकार शेरों ने क्या बंद कर दिया, करना शिकार शेरों ने क्या बंद कर दिया। कुत्ते समझ रहे हैं कि जंगलों ने क्या कहने। वाह वाह वाह, सोहेल सोहेल आजाद भाई, चंदा शार और जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें सोहेल आजाद का एक बार। आप बेटे तशरीफ रखे, जब तक आप चाहेंगे सोहेल आजाद आपको सुनाएंगे। भूल मत जाना, भूल मत जाना, चमकदार अभी रखी है। वाह। भूल मत जाना, चमकदार अभी रखी है। भूल मत जाना, चमकदार अभी रखी है। भूल मत जाना, चमकदार अभी रखी है। टीपू सुल्तान की तलवार अभी रखी है। वाह वाह वाह। हमारे साथ खतौली से कारी फुरकान साहब आए, उनके उनके हवाले से शेर पढ़ता हूँ। भूल मत जाना, चमकदार अभी रखी है। क्या टीपू सुल्तान की तलवार अभी रखी है, जो करे दावा खुदाई का उन्हें बतला दो। जो करे दावा खुदाई का उन्हें बतला दो। लाश फिरौन की लाचार अभी रखी है। लाश फिरौन भाई, वाह 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 वाह, क्या कहने क्या कहने क्या कहने, वाह वाह। हाँ हाँ हाँ, पेश करता हूँ। यहाँ कुछ बुजुर्ग बैठे हैं, इनका एक हुक्म है, एक मतलब एक शेर का, उसके बाद मैं एक मतलब एक शेर पढ़ना चाहता हूँ, उसके बाद इजाजत। पेश करता हूँ, समाप्त फरमा। ताने बाने से, वाह, न ताने बाने से, न ताने बाने से, और ना ही कारखाने से, न ताने बाने से, न ताने बाने से, और ना ही कारखाने से, न ताने बाने से, और ना ही कारखाने
से सुकून मिलता है, सुकून मिलता है सजदे में सर झुकाने से, सुकून क्या कहने वाला सजदे में सर झुकाने से न ताने बाने से। शेर पढ़ता हूँ समा समा दुआएं चाहता हूँ पेश करता हूँ समा वसीम भाई। न ताने बाने से वहीं पे छोड़ के देखो तो जा रहा है वो, वहीं पे छोड़ के, वहीं पे छोड़ के देखो तो जा रहा है वो, वहीं पे छोड़ के देखो तो जा रहा है वो, जिसे मैं आया था, जिसे मैं आया था लेकर यतीम खाने से, न ताने बाने से, न ताने बाने से। हर फिर आखिर एक मतला एक शेर, उसके बाद इजाजत पेश करता हूँ समाप्त हुआ। अगर दिल में ईमान, अगर दिल में ईमान की दौलत बची है, क्या कहने बाबा बाबा। अगर दिल में ईमान की दौलत बची है, अगर दिल में ईमान, अगर दिल में ईमान की दौलत बची है, अगर दिल में ईमान की दौलत बची है तो महशर में अपनी अपनी जमानत बची है, तो महशर में अपनी जमानत बची है। इस शेर के लिए मैंने मतलब पढ़ा, पेश करता हूँ, शरीक हो जाए पेश करता हूँ समझ में। तो महशर में अपनी जमानत बची है, अदालत पे दुनिया, अदालत पे दुनिया की खुश होने वालों, अदालत पे दुनिया, अदालत पे दुनिया की खुश होने वालों, अदालत पे दुनिया की खुश होने वालों, अभी मेरे रब की अदालत बची है।